क्वेश्चन का इस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। एक बिल्डिंग और है, इस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस है डी। यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पर भी एक प्रोजेक्टाइल फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, पर इसको एंगल पे फेंका कितने एंगल पे? 60 डिग्री। तो ये ऐसे गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा। डी की वैल्यू कितनी हो कि दोनों कोलाइड करें? फाइंड द वैल्यू ऑफ डी सो दैट द प्रोजेक्टाइल्स कोलाइड। कोलिजन का मतलब क्या होता है? सेम टाइम पे सेम पोजिशन, मतलब सेम टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए। क्या कर दो, टी टाइम पे एक बार एक्स कोऑर्डिनेट सेम कर दो, एक बार वाई कोऑर्डिनेट। जब कोलाइड होगा तो सेम टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, दोनों कोऑर्डिनेट्स मैच करवा दो और वो रिलेटिव वाला कंसेप्ट लगा लेना, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होता है तो और आसान हो जाएगा। देखो चलो यहाँ पे, ये कुछ ऐसा जाएगा, ये पार्टिकल को तो ऐसे ही फेंक दिया, ऐसा कुछ जाएगा ना। तो मान लो किसी इसी पॉइंट पे कोलाइड कर रहे हैं ना, तो ए और बी को दोनों को इधर पे आना है सेम टाइम पे, यहाँ पे आना है। देखो टी इक्वल टू जीरो पे दोनों यहाँ पे हैं, दोनों को सेम टाइम पे इधर ही पहुँचना है तभी कोलिजन होगा, वरना नहीं होगा। सिर्फ ट्रेजेक्ट्रीज इंटरसेक्ट करने से कोलिजन नहीं हो जाता, समझ में आ रहा है? क्योंकि सिर्फ दो पार्टिकल्स की ट्रेजेक्ट्री कोलाइड कर गई, इसका मतलब नहीं है यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। हो सकता है ये वाला पार्टिकल पहले आ गया हो यहाँ पे और दूसरा बाद में आए, तो कभी क्वेश्चन आ जाए ट्रेजेक्ट्रीज इंटरसेक्ट करने का मतलब कॉलिजन है क्या? नहीं, कॉलिजन के लिए दोनों को जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ट्रेजेक्ट्री का, दोनों को वहाँ पर सेम टाइम पे होना पड़ेगा ना, अलग अलग टाइम पे आएंगे तो कैसे हो जाएगा? समझ में आता रही है क्या? पक्का? ठीक, तो ट्रेजेक्ट्री तो इंटरसेक्ट करनी चाहिए और साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों को सेम टाइम पे पहुंचना है। तो मान लेते इस डिस्टेंस को x बोल देते हैं जहाँ पे हो रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स। इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालो x और y में, x में कितनी आएगी? 10 cos 60, कितना होता है? हाफ 5 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में आएगी 10 sin 60, कितना होता है? √3/2, 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो x डायरेक्शन में करते हो, पूरा क्वेश्चन हम रिलेटिव से ही करेंगे, ठीक है? तो किसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं? ये नाम दे दो इनको, a बोल दो, b बोल दो, हम a के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगी? x डायरेक्शन में लिख रहे हैं सिर्फ, तो कितनी हो जाएगी भाई? वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। वेलोसिटी ऑफ b कितनी है? -5, और a की कितनी है? 10, तो -15 आ गया। मतलब ए को लगेगा कि बी उसकी तरफ कितनी से आ रहा है? 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और कॉलिजन के लिए इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है हॉरिजॉन्टल में? डी। तो टाइम कितना लगेगा बताओ? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, और इसके हिसाब से बताया डिस्प्लेसमेंट माइनस डी है, इस डायरेक्शन में हो रहा है ना ए के हिसाब से, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना आ गया? -d/-15, तो तुम्हारा आ गया d/15। तो एक इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, d = 15t। समझ में आ गया, पहली इक्वेशन आ गई। तो तुम्हें डी निकालना है, अब डी निकालने के लिए टी निकालना पड़ेगा, टी निकलते ही तुम्हारा डी निकल जाएगा। चलो अगली इक्वेशन लगाते थे वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में देखो, अच्छा ये क्यों लगा भाई, समझ गए ना? क्योंकि एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, और y डायरेक्शन में भी रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। वैसे तो y में g g का एक्सेलरेशन हो रहा है, पर दोनों का एक्सेलरेशन g हो रहा है ना, तो g माइनस जी जीरो, ये पढ़ा है ना, समझ में? x में तो था ही नहीं, x में तो ग्रेविटी थी नहीं, पर y में है, पर रिलेटिव तो जीरो हो गई ना, तो अगेन तुम्हारी सारी इक्वेशन लग जाएगी। तो अब बताओ वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगी? ये y डायरेक्शन में ना 5√3 मीटर पर सेकेंड, यही हो जाएगी -5√3, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है? तो आप कितना टाइम लगेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 10 मीटर का। अरे ए के रिस्पेक्ट में तो 10 मीटर का ही हो रहा है, तो कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा? a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इंटू टी। तो -10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है -5√3 इंटू टी, तो t इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा? 2/√3 सेकेंड। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो बताओ फ्रॉम 1 एंड 2 तुम क्या लिख सकते हो?
ई को दूसरे अपन क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कितना हो गया, 15 × 2/√3, तो 30/√3, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 10√3। इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी है ना, क्योंकि हम ग्राउंड फ्रेम में पढ़ते तो ये मानने की ज़रूरत पड़ती, हमने तो एक ही फ्रेम में तो ये ऐसे आ रहा होगा सीधा, थर्ड कोलाइड करके ऐसे आगे सीधा। बताओ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। देखो एक मेथड और मस्त बताता हूँ तुम्हें, देखो करें याली हो गई है मेथड नंबर टू से करें। देखो एक तो हो गई ग्राउंड फ्रेम में, दूसरी रिलेटिव से हो गई, अब तीसरी देखो। तो भाई ये तुमने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है ना, और इस वाले को 10 से फेंका था, तो इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में 5 आई और इस डायरेक्शन में कितनी आई, 5√3, यही तो है। ठीक है, अगर मैं एक ही फ्रेम से देखूं विद रिस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्व करूं, है ना, देखो मेथड नंबर थ्री देखो, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्व करूं, तो ए के रिस्पेक्ट में तो ए कहीं नहीं जा रहा, उल्टी इसको इस डायरेक्शन में 10 मिल जाएगी, तो 5 + 10 कितनी हो गई, 15 है ना, तो इसकी स्पीड 15 हो गई और 5√3 हो गई। ठीक है, ये देखो अगर अब ए तो कहीं नहीं जाएगा, इसको यानी अगर कोलाइड करना है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो जीरो है, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है ना, g - g। अगर इसकी वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में आ गई, फिर तो ये ऐसा चला जाएगा, कोलिजन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में ए तो कहीं मूव नहीं कर रहा, मतलब अब इसकी जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी आनी चाहिए वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए वो रिजल्टेंट तुम्हारा कि वो इससे पास करे, तो ये एंगल थीटा मान लो, तो टेन थीटा तुम्हारा क्या आ गया बताओ, अगर वेलोसिटीज के टर्म में लिखें तो 5√3/15, और अगर इस ट्राइंगल के हिसाब से लिखें तो ये 10 है और ये डिस्टेंस कितना है, डी है, अरे 30 - 20 10 ही तो है और ये डिस्टेंस डी है, तो अगर ट्राइंगल के हिसाब से लिखें तो परपेंडिकुलर में बेस कितना होगा, 10/d दिख रहा है। एक तो मैंने वेलोसिटीज से लिख दिया, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 5√3/ इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 15, एक हमने उससे लिख दिया, ये डिस्टेंस 10 है और ये डिस्टेंस डी है, तो देखो डी कितना निकल के आ गया तुम्हारा, डी इक्वल टू सीधा निकल के आ गया 10 × 3, अच्छा 10√3 तो आ गया, तो सीधा आ गया, ये और भी आसान हो गया। देखो इस क्वेश्चन को देखो कितने जल्दी आंसर निकाल दिया इसने, तो क्योंकि कोलाइड करना है तो भाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच उसी डायरेक्शन होनी चाहिए तभी कोलाइड करेगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी उस डायरेक्शन में होनी चाहिए पूरी की पूरी। तो भाई यही मैंने बोला है कि हर क्वेश्चन को 2-2, 3-3 मेथड से करोगे तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और दिखने लगेंगी चीज़ें। तो नेक्स्ट क्लास में सब लोग जेई मेंस का प्रीवियस ईयर का क्या करके आएंगे, काइनामेटिक्स से जितने भी क्वेश्चंस हैं, अभी रिवर वगैरह वाले को छोड़ देना, अगली क्लास में कर देंगे उनको, बाकी सारे खत्म करके आओगे, ठीक है क्या, ध्यान से करके आना, देखो सब छूट जाएगा, और एडवांस का भी अभी करते हुए चलना है, पहले प्रीवियस ईयर जेई मेंस का करो प्रीवियस ईयर, फिर जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के करेंगे हम। देखो अभी नहीं करोगे तुम इतना तो समझ गए फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला, अभी छोड़ दिया आगे भी नहीं कर पाओगे, कुछ टाइम नहीं मिलता है आगे, तो सब अभी खत्म करते हुए चलना है हमको, है ना।